सुबह से लेकर शाम तक हम कंप्यूटर या फिर लैपटॉप यूज करते हैं। हर कोई मुश्किल काम हम कंप्यूटर से करते हैं। आज का जमाना कंप्यूटर का जमाना हो गया है। जहां पर भी देखो कंप्यूटर का यूज किया जाता है। दुनिया आज इतना डेवलप कर चुका है कि हम कई चीजों को हमारे कंप्यूटर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। पर आप कभी सोचा है कि दुनिया का पहला पोर्टेबल कंप्यूटर यानी लैपटॉप कैसे देखता होगा? इसे बनाने का आइडिया किसने दिया होगा? कौन इसे मैन्युफैक्चर किया होगा? इसकी मार्केट प्राइस कितनी होगी? और इसमें क्या क्या हार्डवेयर लगे होंगे? इसका रैम कितना होगा? स्टोरेज कितनी होगी इसकी? इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा? और ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट्स। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कुछ अनोखा फैक्ट्स दुनिया के पहला लैपटॉप के बारे में। दुनिया का पहला लैपटॉप का नाम था ऑस्बोर्न और इसको लॉन्च किया गया था 3 अप्रैल 1981 में। इसे बनाने का आइडिया दिया था एडम ऑस्बोर्न नाम का एक ऑथर ने। उन्हीं की सम्मान को बजाय रखने के लिए एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने उनके आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए चूक भी किया। उसके बाद उस कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम चेंज करके रखा गया ऑस्बोर्न कंप्यूटर कॉरपोरेशन और उन्हीं के नाम पे ही उस लैपटॉप का नाम ऑस्बोर्न एक रखा गया। आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि उस लैपटॉप का वजन था 10.7 किलोग्राम। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस था CM/M2.2। उसका सीपीयू का स्पीड था 480 मेगाहर्ट्ज और उस सीपीयू का नाम था ZILOG ZSC। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसका रैम था सिर्फ 64 किलोबाइट का, जो कि आज हम एक इमेज देखने में उससे ज्यादा रैम यूज कर रहे हैं। और इसका इंटरनल स्टोरेज था सिर्फ 15 मेगाबिट्स, जो आज हम एक पीडीएफ फाइल सेव करने में नीड होता है। इसमें 2 FLOPY ड्राइव यूज किया गया था। इसका मॉनिटर का साइज था सिर्फ और सिर्फ 5 इंच, जबकि आज मेरा फोन का स्क्रीन 6.26 इंच का है। और एक बात, इसका मॉनिटर ब्लैक एंड व्हाइट वाला था। ये सब तो गया इसका स्पेसिफिकेशंस। चलिए जानते हैं इसका प्राइस कितना था। इसका प्राइस था $1,795, जो आज की हिसाब से $5,000 है। इंडियन करेंसी में इसका आज का प्राइस है 3,25,000 के आसपास। क्यों हैरान हो गए ना आप? लेकिन उस समय में इतना पैसा होने के बावजूद भी इसका 20,000 से भी ज्यादा कॉपी सेल हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। गुड बाय।